आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना जो ये पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते रहे, और आपके साथ मैं आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ कि जब आप पति लोग कोर्ट में पहुंचते हैं और आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग्स यानी कि पत्नी के वकील साहब जब आप पे सवाल दागते हैं तो आपसे क्या क्या सवाल दागे जा सकते हैं और आपको उनका जवाब कैसे देना चाहिए। पति हैं और आपका केस एविडेंस यानी कि गवाही के स्टेज पर पहुंच जाता है, और गवाही जिस समय पर होती है तो आप सभी पति लोग भी और पत्नियां भी इस बात पर फोकस करते हैं कि आपने सामने वाले पक्ष से क्या सवाल पूछने हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सवाल जवाब का जो ये सिलसिला है ये आपके ऊपर भी लागू होता है? आपसे भी ढेरों सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको भी तैयार होना होगा कि किस किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ताकि आप उनका जवाब जो है निर्भीकता से बहुत अच्छी तरह से दे सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको क्या जवाब देना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्योंकि गवाही की स्टेज है, आप पति हैं मान लेते हैं, या शुरुआत ही पति से करते हैं कि आप पति हैं और आपने अपना एफिडेविट दे दिया है, जमा कर दिया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आपने एग्जिबिट करना था आपकी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हो चुके हैं। अब सवाल आता है पत्नी पक्ष के वकील साहब का कि वो आपसे क्या क्या सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि आपने एफिडेविट फाइल किया था तो सबसे ज्यादा जो आपको घुमाया जाएगा, आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश की जाएगी एफिडेविट से संबंधित चीजों को लेकर के की जाएगी, क्योंकि उनकी मंशा ये रहेगी किसी तरह से वो ये साबित कर सके कि ये जो एफिडेविट बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया है, ये एफिडेविट के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और अगर ये बात रिकॉर्ड पर आ जाती है तो आपका अगर एफिडेविट ही झूठा हो गया तो आपकी लिखी हुई सारी बातें ही ऑलरेडी झूठी हो जाती हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। खैर, आइए समझते हैं कि क्या सवाल वकील साहब लड़की के आपसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल, आपका ये जो एफिडेविट बना है, ड्राफ्ट हुआ है, आप बताएं ये कहां पर बना है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि एफिडेविट्स आपको सामने बिठा करके ड्राफ्ट नहीं किए जाते, एफिडेविट्स पहले से ड्राफ्ट हो जाते हैं, तो आप उसका कुछ भी उल्टा पुल्टा जवाब दे सकते हैं कि जी मुझे नहीं पता ये कहां पर ड्राफ्ट हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये ऑफिस में हुआ है, चैम्बर में हुआ है या किसी टाइपिस्ट के पास हुआ है। ऐसा नहीं कहना है आपको, आपको बताना है कि ये जो एफिडेविट है ये वकील साहब के चैम्बर में ड्राफ्ट किया गया था यानी टाइप किया गया था, ये आपका जवाब होना चाहिए निडरता से। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हैव यू रेड ओवर द एफिडेविट, यानी कि ये जो एफिडेविट है क्या आपको पढ़ के सुनाया गया था या आपने खुद पढ़ा था। यहां पर भी आपने ध्यान रखना है, आप अगर ये कह देते हैं कि नहीं मुझे नहीं पढ़ के सुनाया गया था, या आप ये कह देते हैं मैंने नहीं पढ़ा था, तो जो भी एफिडेविट की लिखी हुई सारी बातें हैं वो अपने आप से आपने झूठ कर दी, आपने अपने आप से कह दिया कि उसमें जो भी लिखा हो मुझे नहीं पता, तो किस बात की गवाही। यहां पर आपको जवाब देना है अपनी तरफ से कि ये जो एफिडेविट है मुझे अच्छी तरह से पढ़ करके मेरी भाषा में सुनाया गया था, या तो ये जवाब हो सकता है अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कह सकते हैं, बल्कि आपको कहना ही चाहिए कि ये जो एफिडेविट है मैंने अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया था। तीसरा सवाल एफिडेविट से ही रिलेटेड है, आर यू अवेयर एवरीथिंग रिटन इन एफिडेविट,
मतलब इस एफिडेविट में जितनी भी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है, क्या आपको उन सभी बातों के बारे में पता है? यहां पर भी अगर आप ये कह देते हैं जी मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे सामने तो ड्राफ्ट ही नहीं हुआ, मुझे पढ़ करके ये सुनाया नहीं गया, तो और मुझे तो पता ही नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या जी लिखा गया है क्या नहीं लिखा, वकील साहब ने लिखा है या मुंशी साहब ने टाइपिस्ट से लिखवा करके लेकर के आया। अगर ये आप जवाब दे देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि जी हाँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो एफिडेविट है वकील साहब की चैम्बर में ड्राफ्ट किया गया था, इस पूरे एफिडेविट को मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस एफिडेविट में कौन कौन सी बात का वर्णन किया गया है। और इसके बाद अगला एक सवाल आएगा आपके सामने, वेयर इट वॉज साइंड, यानी इस एफिडेविट पर साइन कहाँ किया गया था। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां पर भी ये देखना है लड़की के वकील साहब को कि आपने इस पर जो एफिडेविट है इस पर साइन किए थे या नहीं किए थे। अगर आप कह देते हैं कि जी नहीं मैंने इस पर साइन नहीं किए थे, जो कि मैंने प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिस में देखा है कि लोग एफिडेविट को अपने आप से ही कुछ लोग उसके ऊपर साइन करके जमा कर देते हैं समय बचाने के लिए या पार्टी को आराम देने के लिए, ये भी गलत एक तरीका होता है। आप पति को ये बात पता होना चाहिए कि आपके एफिडेविट में क्या लिखा है, और आप यहाँ पर लड़की के वकील साहब को कहेंगे जी हाँ मैं चैम्बर में जब बैठा था मेरे सामने ही ड्राफ्टिंग हुई है, मैंने पढ़ करके इसको अच्छी तरह से ओके किया है, और इसमें जो कमी थी, लेट सपोज आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक दो चीजों की कमी थी मैंने वो ठीक करवाई है, और उसके बाद मैंने इस पर दस्तखत वकील साहब के चैम्बर में ही किए हैं। इसके बाद अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, हैव यू अपियर्ड बिफोर एनी अटेस्टिंग अथॉरिटी, यानी कि नोटरी या ओथ कमिश्नर वगैरह वगैरह। मतलब कि आपने जब ये एफिडेविट साइन किया था चैम्बर में, उसके बाद क्या आप कहीं और भी गए थे, अपियर हुए थे किसी के सामने? बहुत बार हमने ये भी देखा है कि क्या होता है कि ये जो अटेस्टेशन होता है, ये अटेस्टेशन वर्क में पार्टीज को लेकर के नहीं जाया जाता, मुंशी चले जाते हैं या इंटर्न्स चले जाते हैं या कोई भी और एसोसिएट चला जाता है, वो जाकर के साइन करवा के आ जाता है। अगर आप ये कह देते कि नहीं जी मैं तो चैम्बर में साइन करने के बाद, फिर उसके बाद मैं कहीं नहीं गया, मैं तो सीधा अपने घर आ गया, ये जवाब भी आप पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एफिडेविट एक अटेस्टिंग अथॉरिटी के सामने अटेस्ट किया जाता है। अगर आप उसके सामने नहीं अपियर हुए हो तो फिर कौन अपियर हुआ है? इसका मतलब ये एफिडेविट की अटेस्टेशन आपके सामने नहीं हुई है, तो ये जवाब भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने कहा कि कहीं नहीं गए थे, आपको बिल्कुल बताना होगा कि मैं सो एंड सो अटेस्टिंग अथॉरिटी के सामने इतने कमरा नंबर में गया था। इसके बाद एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हैव यू साइंड इन अ रजिस्टर ऑफ अटेस्टिंग अथॉरिटी नोटरी ऑब्लिक ओथ कमिश्नर, यानी कि जब आप अटेस्टिंग अथॉरिटी के सामने अपियर हुए थे तो क्या आपने किसी एक रजिस्टर में साइन किया था? जी हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आपका एफिडेविट अटेस्ट होता है नोटरी साहब के सामने या ओथ कमिश्नर साहब के सामने, तो उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसको वो मेंटेन करते हैं। उस रजिस्टर में बकायदा एंट्री होती है कि सो एंड सो, मतलब किसका एफिडेविट ये बन रहा है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, किस कोर्ट में फाइल होना है, पर्पज, आपके वकील साहब का नाम, इत्यादि चीजें उसमें लिखी जाती है, और लास्ट में आपके सिग्नेचर होते हैं, और स्टार्टिंग में जो सीरियल नंबर होता है उसमें यहाँ पर ये लिखा जाता है कि कौन से सीरियल नंबर पर आपका जो एफिडेविट है वो अटेस्ट किया गया था। अगर आप यहाँ पर कह देते हैं कि नहीं जी मैंने कहीं साइन नहीं किए थे किसी और रजिस्टर में, तो यहाँ पर भी आपका जो ये एफिडेविट है या ये जो गवाही है खटाई में आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने किसी रजिस्टर में साइन नहीं किए तो इसका मतलब आप किसी नोटरी पब्लिक साहब या किसी ओथ कमिश्नर साहब के पास नहीं गए हैं, किसी अटेस्टिंग अथॉरिटी के साथ सामने नहीं गए हैं, तो जो अटेस्टेशन किया हुआ एफिडेविट आपका कोर्ट में लगा हुआ है वो आपने खुद ही झुठला दिया, खुद ही बता दिया कि झूठा एफिडेविट फाइल किया गया है। और अगर झूठा एफिडेविट है, गलत एफिडेविट है, बिना आपके सिग्नेचर्स के है या किसी अटेस्टिंग ऑफिसर के
सामने जो रजिस्टर रखा हुआ था उसमें आपने साइन नहीं किए, आप खुद ही कह रहे हैं, तो यहाँ आपकी पूरी की पूरी गवाही खटाई में पड़ जाएगी। और इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एफिडेविट के हिसाब से भी, एफिडेविट के मामले में भी, फाइनेंशियल असेट्स के बारे में भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ एपिसोड्स में, जिससे कि आपका जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो आपकी पत्नी के वकील साहब के द्वारा, तो आप पहले से तैयार रहे कि किस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आपको उसका जवाब किस तरह से देना होता है। अगर आपको भी इसी तरह के और सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं जहां आप फंस सकते हैं, तो आप उन सभी सवालों को भी नीचे कमेंट में जरूर लिख करके छोड़िएगा, ताकि मैं उन सवालों का जवाब भी आपको बता सकूं कि आपने कैसे देना है। इसके अलावा जनरल बहुत सारी बातें होती हैं, इन सभी के बारे में मैं एक सीरीज बना रही हूं, आपको धीरे धीरे इन सभी चीजों के लिए मैं तैयार कर दूंगी। तो देखा आप सभी ने, आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो आप पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहे कि कैसे कैसे सवाल दागे जा सकते हैं आप पर, और कैसे आपने आराम से, तन्मयता से, संयमता से जवाब उनके देने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।